आप सभी स्वागत, बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार स्टॉक के बारे में दोस्तों, जिसने यहाँ पर 150 रुपए का डिविडेंड देकर इन्वेस्टर को लगा दिया लॉटरी। बिल्कुल आप भी यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं 150 रुपए के डिविडेंड के। कंपनी देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और दोस्तों इसमें एडवांटेज देखेंगे कंपनी हेल्थ केयर का स्टॉक है, तो यहाँ पर सभी चीजें भर भर कर फायदे की नजर आती है इन्वेस्टर के लिए। तो इस स्टॉक में यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, और मैं आपको इसकी जैसे डिटेल पेश करूंगा तब आपको पता चलेगा इसमें क्वालिटी कितनी है। कंपनी लगातार यहाँ पर 100-150 रुपए के ऊपर का ही डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और एक खास बात दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसमें यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर ने भी बढ़िया तरीके से स्टेक बढ़ाया है। तो सभी चीजें अंडरस्टैंडिंग करना, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही ग्रोथेबल नजर आता है इंडियन मार्केट में। यहाँ पर मैं आपको इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ बोले तो कंपनी में देखिए खुद प्रमोटर का स्टेक कितना दोस्तों 70% का देखने को मिलता है। बोले तो ये सबसे अच्छी बात है कि खुद कंपनी को जो चलाने वाले पर्सन है वो यहाँ पर इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी यहाँ पर बताना चाहूँगा देखिए FIS ने भी जबरदस्त तरीके से स्टेक रखा है दोस्तों, 2.52% का स्टेक उनके पास है, और उन्होंने 0.06% का स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है इस बार। और दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड के पास देखिए 5.56% का स्टेक है, और यहाँ पर एक अच्छी बात, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है और फॉरेन निवेशक दोनों ने भी स्टेक बढ़ाया है। और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिए 3.73% का उनके पास भी स्टेक है, और अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर बड़े तरीके से सभी दिग्गज इन्वेस्टर इसमें स्टेक रखते हैं। DIS देखिए 4.21% का स्टेक रखते हैं। तो क्वालिटी के मामले में इसमें 3 ऐसे बड़े इन्वेस्टर है जो यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, और मुझे खास कर दोस्तों फॉरेन निवेशक और म्यूचुअल फंड और DIS पर ज़्यादा फोकस रखने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि इनके पास जरूर यहाँ पर एनालिसिस की बहुत ही बड़ी टीम रहती है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए पब्लिक यहाँ पर इसमें से एग्जिट कर रही है दोस्तों, और यहाँ पर हम देखे देखिए इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बट उससे भी अच्छा 3 बड़े दिग्गज देखने को मिलते हैं, इसलिए कंपनी में पॉजिटिव और ज़बरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कंपनी में जो डिविडेंड मिला है उससे भी बढ़िया कंपनी के फंडामेंटल देखिए, डेट फ्री कंपनी है, कोई यहाँ पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। कंपनी का पास यहाँ पर कैश फ्लो देखिए 902 करोड़ का दोस्तों, कितना 902 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो पड़ा है, बोले तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। और मार्केट कैप देखिए 44,958 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, तो कंपनी लाजवाब देखने को मिलती है। और इससे भी एक अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए, मालामाल करने वाली दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 5 सालों में कंपनी 7,000 रुपये के ऊपर की कमाई करके देती है, इतनी बड़ी कंपनी शानदार है, आपको पर शेयर पर बोल रहा हूँ, इतना अच्छा डिविडेंड जो यहाँ पर जो रिटर्न होता है ना वो कमाकर। और डिविडेंड तो छोड़िए, बाकी की चीज़ें तो आपको फायदे में ही रहेगी, और इसका देखिए सभी के सभी जो चीज़ों को फंडामेंटली देखें हम तो उसमें वैल्यू नजर आती है। अब इसके यहाँ पर मैं रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न बहुत ही अच्छे दिए, और जैसे हम यहाँ पर जैसे कि क्वार्टरली इसके रिजल्ट की भी बात करें तो उसमें भी कंपनी ने बहुत ही दिग्गज परफॉर्मेंस दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर दिसंबर के 2019 के और दोस्तों दिसंबर के 2020 के यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पर बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस 18% से बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट देखिए जो यहाँ पर सेल्स 18% से और नेट प्रॉफिट की बात करें 84% से बढ़ी है। और दोस्तों यहाँ पर जो हम रिटर्न की बात करें, कंपनी आपको कॉन्स्टेंट 34% का रिटर्न आपको पर ईयरली बेसिस पर दे रही है, और 150% के ऊपर का आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 5 साल में रिटर्न। बोलते यहाँ पर कंपनी का शेयर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जितना महंगा रहेगा उतना ही उसका जो परसेंटेज वाइज रुपीज निकालेंगे तो उतने ही शानदार तरीके से देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप जरूर देखिए इसके जो बेबी केयर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पैम्पर है, बहुत से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा चीज़ें इस कंपनी की नजर आती है, फैब्रिक केयर्स है, यहाँ पर एरियल है, बहुत से यहाँ पर आपको पर्सनल केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड ये सभी के सभी चीज़ें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करें PGHS के बारे में दोस्तों, जो यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंपनी इंडियन मार्केट में वेटेज भी रखती है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी ने यहाँ पर 150 रुपये का डिविडेंड अलाउड कर दिया इन्वेस्टर को, आज जो इसके Q4 के रिजल्ट है उसमें कंपनी ने सभी चीज़ें इंक्लूड की है। और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा किसको पेड किया जाएगा बिटवीन द, यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं 25 यहाँ पर मई से पहले, यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं दोस्तों ये पर्पज है, और यहाँ पर आपको पेमेंट करने की जो डेट बताई जाती है उसको भी आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और लगातार आप देखिए कंपनी पिछले बार भी 150 रुपये यहाँ पर, सॉरी 105 रुपये, 85 रुपीज, यहाँ पर 40 रुपये, यहाँ पर देखिए 84 रुपीज, तो डिविडेंड के मामले में अच्छी है। और कंपनी का आप प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, बहुत से हेल्थ केयर से रिलेटेड आपने क्रीम देखे होंगे, यहाँ पर कॉस्मेटिक देखे होंगे कुछ अलग अलग, ये सभी के सभी इस कंपनी के नजर आते हैं। अब यहाँ पर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे की बात करें तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी तरफ से जो मैंने आपको पूर्ता किस बताया 150 रुपये का पर शेयर को यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है, और यहाँ पर जो डेट भी बताई गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पर परफॉर्मेंस में
हमें भी यहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये सभी फिगर्स इन लैक्स में दोस्तों, और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या लॉस, इसको भी देखना ही पड़ेगा। क्या होता है, हम कंपनी के बारे में डिविडेंड तो देख लेते हैं, अभी कंपनी के इनकम के बारे में समझ लेते हैं। आफ्टर द टैक्स के बारे में बात करें, कंपनी ने जो कमाई की दोस्तों, पिछले बार से थोड़ी डाउन ही देखने को मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो कंपनी की देखिए, पिछले साल 1,02,779 जो लैक्स में कमाई हुई थी, वो इस बार देखिए 77,441 लैक्स में। बोलते यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें ना, तो कंपनी के इनकम में बहुत ही कमी देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्या होता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, बट यहाँ पर इसका मार्केट पर और इसके जो यहाँ पर परफॉर्मेंस पर जो ये सभी सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी के प्रोडक्ट कैसे बेचे जा रहे हैं, उसको भी आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे इसके ईयर ऑन बेसिस पर भी बात करें, देखिए पिछली बार जो यहाँ पर हम जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपेयर कर चुके हैं और ईयर ऑन बेसिस पर भी कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जरूर आप अंडरस्टैंडिंग करना कंपनी के जो रिजल्ट है उसको देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो रिजल्ट होते हैं उसको हम जरूर अंडरस्टैंडिंग करना ही चाहिए और उसको समझ कर भी लेना चाहिए। अब देखिए जो पिछले बार दोस्तों कंपनी के ईयर ऑन बेसिस पर रिजल्ट आए थे उसको हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर जरूर देखना है कितने हैं मार्च 2020 के और दोस्तों कितने मार्च 2021 के, सभी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए हमने खाली क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखा कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन देखने मिला, बट दोस्तों ये बढ़िया बात क्या है, कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट देखिए। पिछली बार कंपनी कितना कमाया था, 2,40,202 लैक्स में, वो बढ़कर देखिए कितना हो चुका है दोस्तों, पूरे तरीके से 2,82,121 लैक्स में। तो बढ़िया बात ये दोस्तों कि कंपनी ने यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पर क्या, ईयर ऑन बेसिस पर यहाँ पर कंपनी ने बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर PGHS ने। ये कंपनी जो है आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ पर इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी ने इतना बढ़िया रिजल्ट भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे इस कंपनी के बारे में। प्रोटेक्ट जो यहाँ पर गैम्बल्स हाइजेनिक्स एंड हेल्थ केयर लिमिटेड जो उसका फुल फॉर्म है, आप समझ भी सकते हैं, डिटेल भी देख सकते हैं कंपनी के बारे में, और जो डिविडेंड का फायदा उठाना चाहेंगे उनको समझ में आ चुका होगा। जो भी यहाँ पर ये रिजल्ट को पूरा देखे होंगे ना तो उनको ही समझ में आएगा दोस्तों, जो यहाँ पर चाहते हैं कि हमें फटाफट जो रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाए और हमें यहाँ पर समझ जाए। बट मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, ये देखिए इसकी कितनी है, 12 मई से पहले जो इन्वेस्टर खरीदेंगे उनको फायदा मिलेगा और यहाँ पर 25 मई से पहले आपके जो पेमेंट होती है वो हो जाएगी, पेमेंट्स रिलेटेड यहाँ पर 25 मई और दोस्तों यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट होती है वो 12 मई है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हो कैसे रिजल्ट रहे और किस तरीके स्टॉक ने परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती देखिए सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।